हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में वैभिषेक मालो केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बीएससी सेकंड ईयर की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे थे और उसके लिए हमने 5 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आज का वीडियो लेक्चर हम हुक्स के नियम पर बनाने वाले हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हुक्स के नियम से डेफिनेटली 2-4 बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि हुक्स का नियम क्या है, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ये वीडियो लेक्चर होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हुक्स के नियम की। तो ये हम बात कर रहे थे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे थे, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक्स रहता है हमारा हुक्स लॉ। ये टॉपिक रहेगा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप देख पा रहे होंगे उसमें कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है। क्लियर? तो हुक्स लॉ की बात हम करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, क्या कहता है पहले तो किस में काम आता है ये। तो पहला स्टार पॉइंट ये लगाएंगे कि हुक्स के नियम की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इस नियम की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं, बोलो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इस नियम की सहायता से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं तनन कंपन आवृत्ति। क्लियर? तो इस नियम की सहायता से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर जिसको लिखते हैं म्यू बार्स है, जिसको क्या कहते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर या तरंग संख्या ज्ञात की जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि हुक्स का नियम किस काम आता है। तो हुक्स के नियम की सहायता से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या तनन कंपन आवृत्ति या फिर वेव नंबर ज्ञात किया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, समझो, क्या कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर आईआर रेडिएशन डाली जाती है तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करने लगता है। क्या करने लगता है? वाइब्रेशन करने लगता है। क्लियर हो गई बात? तथा यह मॉलिक्यूल्स एक स्प्रिंग की भांति सरल आवर्त गति करने लगता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर आईआर रेडिएशन डाली जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, कंपन होने लग जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स स्प्रिंग की भांति सरल आवर्त गति करने लग जाता है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल बताता हूं, ये सेंटर एटम है और इससे कोई दो एटम जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कह दिया ये M1 और ये मैंने कह दिया दूसरा एटम है आपके पास, ये है M2। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल्स है, आप देखना भाई बोर्ड पर मॉलिक्यूल्स है, मैंने इसके ऊपर क्या डाली है, मैंने इसके ऊपर आईआर रेडिएशन डाली है, तो इस आईआर रेडिएशन डालते ही इस मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होने लग जाता है, कंपन होने लग जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किसकी भांति गति करता है, स्प्रिंग की भांति गति करने लग जाता है। अब देखो, जब ये स्प्रिंग की भांति गति करता है ना, तो वो कौन सी गति होती है, वो सरल आवर्त गति होती है। 11वीं 12वीं क्लास में नाम जरूर सुना होगा सरल आवर्त गति का नाम। क्लियर? होता क्या है, इधर देखो, अब जैसे सपोज करो ये M1 है और ये M2 है, यानी कि इसका द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान M2 है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहे भाई पॉइंट? अब देखो, या फिर मैं इसको यूं कह दूं ये A है और ये आपके पास है B,
इसका द्रव्यमान कितना है m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है m2 है। सपोज करो ये अगर इधर डिस्प्लेसमेंट करता है, इसका विस्थापन इधर होता है, ये स्प्रिंग इधर खींचती है, इधर वाइब्रेट करती है, तो इस स्प्रिंग के अपोजिट साइड में जिधर विस्थापन होगा उसके अपोजिट साइड में, जिधर विस्थापन होगा उसके अपोजिट साइड में एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। सभी ने नाम सुना होगा 11वीं 12वीं क्लास में, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हमेशा हमेशा जिस तरफ विस्थापन होता है उसके अपोजिट साइड में लगता है। क्लियर? जैसे सपोज करो इस डायरेक्शन में अगर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो प्रत्यानयन बल इस साइड में लगेगा। क्लियर? तो विस्थापन और प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। क्लियर? तो क्या कहा कि जब कोई मॉलिक्यूल के ऊपर आईआर रेडिएशन डाली जाती है तो मॉलिक्यूल्स कंपन करने लग जाता है, तनन कंपन होने लग जाते हैं। कंपन कौन से होते हैं? तनन कंपन होने लग जाते हैं। क्लियर? और तनन कंपन होते ही वह एक स्प्रिंग की भांति व्यवहार करता है और उसमें कौन सी गति देखने को मिलती है? सरल आवर्त गति देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? यहां तक आप इसको नोट करें। हो गया? आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब मैं थर्ड पॉइंट पर क्या कहता हूं उसको समझो। हम क्या कह रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल तो स्प्रिंग की भांति व्यवहार कर रहा है और सरल आवर्त गति दर्शा रहा है। अब एक्चुअली में सरल आवर्त गति में क्या होता है कि जिस साइड पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस साइड पर विस्थापन होता है, उसके अपोजिट साइड में क्या लगता है? रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति के अनुसार जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो समानुपाती होता है किसके? एक्स के। तो सरल आवर्त गति के अनुसार रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर? लेकिन इसका चिन्ह कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो ये माइनस चिन्ह किसको बता रहा है? ये डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। दोनों की दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। इसलिए चिन्ह कौन सा लिया गया है? माइनस चिन्ह यहां काम में लिया गया है। क्लियर? यहां F, अब देखो जैसे समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो नियतांक आएगा ये, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। जहां F क्या है? F है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्लियर? जहां के क्या होता है? के क्या होता है? समानुपाती नियतांक। क्या होता है? समानुपाती नियतांक होता है। या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है भाई, समानुपाती नियतांक तो कहते ही है। क्लियर? इसे स्प्रिंग का फोर्स कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं, स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। और एक्स क्या है? एक्स विस्थापन होता है। क्लियर हो गई बात? तो हुक्स के नियम के अनुसार वो मॉलिक्यूल स्प्रिंग मोशन करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त होती है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट भी आप इस पर नोट करिएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ये। क्लियर? क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जो आ रहा है ना अगला पॉइंट हमारा, वो क्या होगा कि ये जो फोर्स कांस्टेंट है, ये जो क्या है? फोर्स कांस्टेंट है के, ये फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है? ये फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को बताता है। किसको बताता है? स्प्रिंग की सामर्थ्य को बताता है। किसको? स्प्रिंग की सामर्थ्य को बताता है। या फिर ये बाइंडिंग फोर्स को बताता है। किसको बताता है? बाइंडिंग फोर्स को बताता है। या फिर ये क्या बताता है? ये बताता है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में एटम्स का बंध सामर्थ्य।
एटम्स का बंध सामर्थ्य है कि जो अणु है उस अणु में जो परमाणु है वह अधिक दृढ़ता से जुड़े हुए हैं या ढीले जुड़े हुए हैं। तो जो फोर्स कांस्टेंट होता है वह तीन बातों के बारे में जानकारी देता है, वह स्प्रिंग की सामर्थ्य भी बताता है, वह बाइंडिंग फोर्स को भी बताता है और वह मॉलिक्यूल्स में एटम के बंध सामर्थ्य को भी बताता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा इसमें, क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आ जाएं। तो अगला पॉइंट क्या होगा हुक्स के नियम में, वो हुक्स के नियम का स्टेटमेंट है भाई। क्या है हुक्स के नियम का स्टेटमेंट, देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हुक्स के नियम में ये कह रहा है कि इस नियम की सहायता से किसी भी बंद की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है, जो निम्न सूत्र से होती है। क्लियर, तो क्या ज्ञात की जा सकती है भाई, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कि तनन कंपन आवृत्ति। तो तनन कंपन आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा सूत्र होगा, तो हुक्स के नियम का सूत्र क्या है भाई, म्यू बार इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये सूत्र होता है भाई हुक्स का नियम। क्लियर हो गई बात, और इसी सूत्र की सहायता से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जा सकती है। तो क्या है यहां म्यू बार, क्या है ये म्यू बार है स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या इसे वेव नंबर ऑफ स्प्रिंग का वेव नंबर भी कह सकते हैं। क्लियर, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। सी क्या होता है, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। के क्या होता है, के फोर्स कांस्टेंट है, क्या है फोर्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, म्यू है समानित द्रव्यमान। क्या होता है भाई समानित द्रव्यमान, इधर देखो ये था ना, एक तरफ M1 जुड़ा था और एक तरफ M2 जुड़ा था, समानित द्रव्यमान होता है M1 M2 / M1 + M2, ये होता है भाई स्प्रिंग का समानित द्रव्यमान। क्लियर हो गई बात, M1 M2 / M1 + M2, यहां नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देंगे म्यू इक्वल टू M1 M2 / M1 + M2, तो ये किसका है, स्प्रिंग का समानित द्रव्यमान होता है। क्लियर हो गई बात, तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी बॉन्ड की तनन कंपन आवृत्ति या उस बॉन्ड का वेव नंबर ज्ञात किया जा सकता है। आ रही बात समझ में, नोट कर लीजिएगा, यही आपका हुक्स का नियम कहता है। हो गया, चलिए अब देखो यहां हम क्या कह रहे हैं उस चीज को समझो। हमारा फॉर्मूला जो आया है उससे हम कुछ और बातें यहां पर निकालने वाले हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे भाई, ये जो हमारी आई है ना इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। बोर्ड पर देखो म्यू हमारे पास क्या आया है, म्यू बार इक्वल टू 2πc के अपॉन म्यू, जहां म्यू क्या है M1 M2 / M1 + M2। अब ध्यान रखना यहां जो M1 और M2 इसको मैं कह दूं केस नंबर फर्स्ट, M1 M2 क्या है एटम्स का मास, क्या है
एटम्स का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान है भाई किसमें है, ग्राम में, किसमें है, ग्राम में। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन ग्राम में है तो इक्वेशन वन का यूज करेंगे अगर ग्राम में दे रखा है तो। लेकिन अगर केस नंबर सेकंड क्या कि M1 और M2 यदि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान किस में दे रखा है, AMU में दे रखा है, AMU में दे रखा हो तो क्या करोगे। देखो अगर ग्राम में दे रखा है तो इक्वेशन वन का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर वन ये रही, क्लियर हो गई बात। अब अगर ये द्रव्यमान में दे रखा है, सॉरी एमयू में दे रखा है, तो देखो एम वन इक्वल टू एम वन अपॉन 6.023 गुणा 10 की घात 23 ग्राम में बदलेंगे, और एम टू इक्वल टू एम टू अपॉन 6.023 गुणा 10 की घात 23 ग्राम। अगर एएमयू में दे रखा है ना तो ग्राम में बदलना पड़ेगा, और ग्राम में बदलने के लिए द्रव्यमान संख्या का भाग दिया जाता है एएमयू से, ध्यान रखना। अगर एएमयू को ग्राम में बदलना हो तो द्रव्यमान संख्या का भाग दिया जाता है, क्लियर हो गई बात। किसका भाग दिया जाता है, अवोगाद्रो संख्या का, अवोगाद्रो संख्या का भाग दिया जाता है, मैंने दे दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, उस चीज को समझो। म्यू इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्लियर यही है। तो मैं ये मान यहाँ रख दूंगा भाई, ये मान मैं यहाँ रख दूंगा जिसमें मेरा मान आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। कैसे बोर्ड पर समझो क्या स्थिति होने वाली है, मैं ये कह रहा हूं कि म्यू इक्वल टू आ जाएगा एम वन एम टू अपॉन M1 प्लस M2, ये पूरा मान यहाँ रखोगे ना भाई, M1 का मान यहाँ रखोगे, M2 का मान यहाँ रखोगे, तो ये मान आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये आ गया हमारे पास म्यू का मान, क्लियर हो गई बात। ये M1 का मान यहाँ रखना, M1 का मान यहाँ रखोगे, M2 का मान यहाँ रखोगे, तो म्यू की वैल्यू ही आ जाएगी आपके पास, क्लियर, नोट कर लो। क्लियर, अब देखो देखना भाई बोर्ड पर हमारे पास क्या आया, म्यू इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब इस समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो म्यू बार इक्वल टू वन अपॉन टू पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, के अपॉन म्यू, तो म्यू की वैल्यू ये रही भाई, तो म्यू की वैल्यू रख देंगे वन अपॉन टू पाई सी अंडर रूट के अपॉन, ये रही म्यू की वैल्यू, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू 6.023 गुणा 10 की घात 23, इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे 2 पाई सी अंडर रूट के गुणा, ये हो जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्लियर हो गई बात। अब देखो इसको बाहर ले लेंगे, इसको बाहर लोगे ना तो क्या आ जाएगा, म्यू बार इक्वल टू इसके इस ये पूरी वैल्यू को मैं बाहर ले रहा हूं अंडर रूट के, ये आ जाएगा 7.76, इसका अंडर रूट बाहर आएगा 7.76 गुणा 10 की घात 4 बटे 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो ये आ जाएगा म्यू बार इक्वल टू 7.76 गुणा 10 की घात 4 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। आ रही भाई बातें समझ में, ध्यान में रखना इस पॉइंट को भी, क्लियर, ठीक है भाई। अब देखो क्यों, क्योंकि यहां म्यू बराबर क्या होता है,
म्यू बराबर होता है m1 m2 upon m1 plus m2। क्लियर। अब देखो इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर दो, क्या दे दूंगा इसको समीकरण नंबर दो। अब देखो समीकरण दो में पाई और सी का मान रखने पर, तो पाई का मान भी रखो और सी का मान भी रखो, तो म्यू बार इक्वल टू 7.76 गुणा 10 की घात 4 बटे 2। पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 गुणा सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की घात 8। क्लियर हो गई बात। और अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये सारी वैल्यू हमने मान रख दी, सी की वैल्यू भी आज हमने यहां पर रख दी है। क्लियर हो रही भाई बातें, ध्यान में रखना इस पॉइंट को। क्लियर, ये हमने सेंटीमीटर में रख दो भाई इसको, सेंटीमीटर में रखोगे तो 10 की घात 10 हो जाएगी। सी बराबर होता है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर, और 22/7 हो गया किसका मान, पाई का मान। आ रही भाई बातें समझ में। अब इसको ओपन कर लेते हैं, अब इसको ओपन कर लेंगे भाई, तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू बार इक्वल टू सब वैल्यू को सोल्व करोगे ना ये आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये आ गया भाई आपके पास वेव नंबर, क्या आ गया वेव नंबर आ गया, या फिर ये आ गई कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कब काम में लेना है, जब एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास एएमयू में दे रखा हो। क्लियर हो गई बात, तब काम में लेना है, किसमें दे रखा हो एएमयू में दे रखा हो तब ये काम में लेना है। क्लियर, तो सारे फॉर्मूले मैंने हुक्स के नियम के डेराइव कर दिए आपके सामने, नोट कर सकते हैं आप इन पॉइंट्स को। हो गया, चलिए अब देखो मैं यहां से कुछ पॉइंट नोट डाउन करा रहा हूं, उसको भी हम यहां पर बात करेंगे, पहले यहां पर समझेंगे बात को। देखो भाई हमारे पास अगर यदि हमें फ्रीक्वेंसी यानी म्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये क्या है आवृत्ति है। और हम जानते हैं क्या कि हम क्या जानते हैं, चूंकि म्यू बार बराबर होता है 1/लेमडा, ये क्या है वेव नंबर है। तो यहां लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई बोलो, ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू बार सी। ये लो साहब, ये आवृत्ति ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से, क्या ज्ञात कर सकते हो, आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, बड़े सिंपल तरीके से आवृत्ति कैलकुलेट की जा सकती है। नोट कर लो भाई, ठीक है, ये लो साहब। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या रहेगा, इधर देखो हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ के अनुसार जो म्यू बार है वह समानुपाती होता है के के, म्यू बार हो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू के। क्लियर, तो यहां से एक पॉइंट लिखा जा सकता है क्या कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है तनन कंपन आवृत्ति, क्लियर, किसकी, बंद की तनन कंपन आवृत्ति निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई कि बंद की तनन कंपन आवृत्ति कौन से कारकों पर निर्भर करती है, तो पहला तो हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट के, या फिर इसे कहते हो भाई बाइंडिंग फोर्स,
इसे ही क्या कहते हो, बाइंडिंग फोर्स कहते हो, क्लियर, या फिर इसे ही क्या कहते हो, स्ट्रेंथ कहते हो भाई, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बंध का सामर्थ्य, सब इसी के नाम है। और दूसरा, दूसरा क्या है, समानित द्रव्यमान, क्या है, समानित द्रव्यमान, क्लियर। तो दो कारकों पर निर्भर करती है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर हो गई बात, नोट कर लो। बंध की तनन कंपन आवृत्ति निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं यहां सोल्व कराता हूं, बड़ी आसानी से हम सोल्व कर लेंगे भाई, बोर्ड पर समझना चीजों को। ये देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, बॉन्ड ए बी के लिए यदि एका परमाणु भार 12 amu और बी का परमाणु भार 2 amu होता है तो बंद के लिए वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यानी कि म्यू क्या होगी यदि के का मान दे रखा है 5×10^10 डाइन प्रति सेंटीमीटर। यह आपको प्रश्न दिया गया है कि एक बंद है ए बी के लिए, ए का भार दे रखा है 12 एमयू, बी का भार दे रखा है इतना एमयू, ये सब मान आपको दे रखे हैं, क्लियर हो गई बात, सारे मान आपके पास है भाई, ठीक है। अब इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जरा मुझे बताओ किसमें दे रखा है, एमयू में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे आंसर, कि एटॉमिक वेट एमयू में दिया है, अतः सूत्र कौन सा सूत्र लगाओगे, म्यू बार इक्वल टू 4.12 अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये सूत्र आप यहां पर काम में ले सकते हो, बोलो ले सकते हो ना, ये 5 दे रखा है भाई, ले सकते हो ये फॉर्मूला आप काम में, ठीक है, तो फिर आपका आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता लग गया कि एमयू में दे रखा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है, बात आई बात समझ में। अब तो मान ही तो रखने हैं, मान रख लो कि देखो पहले म्यू ज्ञात कर लो, क्या होता है m1 m2 upon m1 plus m2, 12×2/12 + 2 = 24/14, कैंसल आउट करो भाई, 24 में 14 का भाग लगा लो, तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, के की वैल्यू दे रखी है 5×10^5 डाइन प्रति सेंटीमीटर, तो फिर म्यू बार की वैल्यू 4.12 अंडर रूट क्या 5×10^5 और 24 में 14 का भाग लगाओ भाई, कितना आ जाएगा बोलो, 1 × 14 = 14 एक ही बार जाएगा भाई, फिर कितना बचेगा 10, तो 7 × 70 हो जाएगा, 1.714 आ जाएगा, क्लियर, तो 1.714 आ जाएगा, तो म्यू बार इक्वल टू, सब काटा पेटी कर लेना, 2225 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास वेव नंबर, क्या आ जाएगा वेव नंबर, फिर क्या निकालोगे म्यू, तो भी हो जाएगा, यही होता है भाई दोनों का फॉर्मूला, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू 2225 × ये हो गया किसमें सेंटीमीटर इनवर्स गुणा 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही होगा भाई, बोलो मीटर प्रति सेकंड होता है ना, इसको काट दो, तो म्यू बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5×15 1×7 3×6 × 10^10 सेकंड इनवर्स, ये आ गया भाई आपके पास
म्यू फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना भाई। क्लियर हो रहे हैं बातें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इसको हर्ट्ज में भी लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? हर्ट्ज में भी लिखा जा सकता है। पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो यह था आपका हुक्स का नियम। बिल्कुल सिंपल नियम है कि किसी भी बंद में जब आप आईआर रेडिएशन डाले जाते हैं तो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वह मॉलिक्यूल स्प्रिंग की भांति व्यवहार करता है और सरल आवर्त गति प्रदर्शित करने लग जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया। क्लियर हो गई बात? तो बिल्कुल सिंपल था हुक्स का नियम। 100% प्रश्न आता है भाई हुक्स के नियम पर, ध्यान रखिएगा, सारा कुछ लिखना होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।